अस्सलाम वालेकुम, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ दो तरह की चटनियाँ बनाने की रेसिपी, जिसमें कि एक चटनी है इमली की खट्टी मीठी चटनी और दूसरी चटनी है हरे धनिए की चटनी। दही वड़ा, चाट, गोलगप्पे, समोसे, आलू टिक्की, इन सब के साथ खाने वाली चटनियाँ आपके रमजान में बहुत काम आने वाली चटनियाँ है, बहुत ही मजेदार चटनियाँ बनती है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इमली की खट्टी मीठी चटनी बनाने के लिए हमने यहाँ ली है एक बाउल इमली का पल्प, जिसे हमने गर्म पानी में एक घंटे के लिए छोड़ दिया था, और उसके बाद हाथों से मसलते हुए इमली की सारी बीज हमने सब रिमूव कर ली है। मार्केट में दो तरह की इमली मिलती है, एक बीज वाली और एक बिना बीज वाली, तो आप ये चटनी किसी से भी बना सकते हो। बीज निकालने के बाद हमारे पास एक बाउल इमली का पल्प हुआ है, यानी कि 100 ग्राम इमली के पल्प में हम 100 ग्राम गुड़ डालेंगे। आप आधा गुड़ आधा चीनी भी डाल सकते हो। मसाले में हम एक छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर लेंगे, हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर लेंगे, एक टीस्पून काला नमक लेंगे, हाफ टी स्पून सफेद नमक लेंगे, एक टीस्पून लाल मिर्च पाउडर लेंगे, एक टीस्पून चाट मसाला लेंगे। सब में पहले हम गैस की फ्लेम ऑन करके एक भगोने में इमली का पल्प डालेंगे। गैस की फ्लेम को हम लो टू मीडियम पे रखेंगे। ये इमली का पल्प यहाँ पे हमने छान के लिया है, और साथ ही में हम डालेंगे गुड़। गुड़ डालने से इमली की चटनी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। आप यहाँ पे खजूर भी ऐड कर सकते हैं, और गुड़ हेल्दी भी है। हम इनको मिलाते रहेंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे, हम इनको मिलाते रहेंगे ताकि गुड़ जले ना और ये गुड़ अच्छे से मेल्ट हो जाए। मिलाते रहेंगे तो यहाँ पे हमारा गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है, और इमली का पल्प बनाने में हमने यहाँ एक कप पानी का इस्तेमाल किया है। नेक्स्ट हम पाउडर मसाले डालेंगे। अच्छे से मिला देंगे हम इनको, 7 मिनट इसे लो फ्लेम पे कुक करेंगे। तो हमारी चटनी यहाँ ठीक हो चुकी है। तो ये देखिए हमारी चटनी बनकर तैयार है। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे मगज, इससे इसका लुक अच्छा हो जाता है। मिला देंगे इसको अच्छे से, और हम यहाँ गैस की फ्लेम को ऑफ करेंगे, और हमारी चटनी बनकर तैयार है। इसको हम ठंडा करके सर्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी इमली की खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पे ठंडा किया है, और आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, कितना क्रीमी टेक्सचर की हमारी चटनी बनी है आप देख सकते हैं। और आप इस चटनी को 1 से 2 महीने के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ हरी धनिए की चटनी बनाएंगे। एक बाउल हम यहाँ हरा धनिया लेंगे, 2 हरी मिर्च लेंगे, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं मिर्च, 4 से 5 पुदीने के पत्ते लेंगे। आपको यहाँ पुदीने के पत्ते बहुत कम लेने हैं, वरना चटनी कड़वी हो सकती है, या फिर आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। 3 से 4 लहसुन की कलियां लेंगे, 1/2 लेमन जूस लेंगे, 1/2 टीस्पून नमक लेंगे, 1 टीस्पून सफेद जीरा लेंगे, 1/2 टीस्पून काला नमक लेंगे। तो हमने यहाँ पे मिक्सी के जार में हरा धनिया काट के डाला है, ताकि ये आसानी से पिस जाए और मिक्सी में फंसे नहीं। हरी मिर्च, पुदीने के पत्ते और लहसुन डालेंगे, और हम नमक, जीरा और काला नमक ऐड करेंगे। नींबू का रस डालेंगे, नींबू का रस आपको इसी वक्त डालना है, इससे हमारी चटनी जो है वो हरी बनकर तैयार होगी, काली नहीं पड़ेगी। 1 से 2 टेबलस्पून पानी डालकर हम इसे ग्राइंड करेंगे। तो ये देखिए हमारी हरी चटनी बनकर तैयार है।
बस आपको इसे पीसते टाइम पानी ज्यादा नहीं डालना है। तो ये देखिए एकदम परफेक्ट टेक्सचर की हमारी चटनी बनकर तैयार है। नेक्स्ट हम इसे सर्व करेंगे, तो देखिए कितना परफेक्ट टेक्सचर आया है हमारे हरी चटनी का। हरी चटनी को आप फ्रेश ही बना सकते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।